तो देखो अगर हमारे पास तो बहुत महंगे भाव में आई हुई है, बिल्कुल, लेकिन जब अपने को निकालनी और अपने सेल परचेज का काम है जी, तो उस हिसाब से मतलब रेट किए हैं, बिल्कुल। जब कोई चीज बेचनी होगी हाँ। तो भाई अपने को सस्ती करके बेच लो जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आज का जो पशुधन दिखा रहे हैं जिला जींद से और रणदीप मलिक सर हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, पहुँचे हैं इनके डेयरी फार्म पे। काफ़ी लंबे समय के बाद इनके यहां से वीडियो कवर कर रहा हूं। नए डेयरी फार्म पे आए हैं जो खांडाखेड़ी गाँव में, और आधुनिकता की चकाचौंध से दूर जो भाई ने खेतों में नया जो लग्जरी डेयरी फार्म था जो खरीदा था, वहाँ पे जबरदस्त खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म और काफ़ी शानदार शो क्वालिटी की जो भैंसें हैं वो भाई के फार्म पे आई हैं। तो मिलवाना चाहूँगा रणदीप सर से, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार रणदीप सर, कैसे हो जी आप? बहुत बढ़िया, बताओ। तो काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रही है आपके यहाँ से। हाँ भाई, क्या यहाँ पे क्या है कि अपना जो ज्यादातर जो काम है ना, ठीक है, वो मेन मार्केट में रहता है। मेन मार्केट मतलब नवंबर दिसंबर से यहाँ पे मतलब फुल फ्लैश चालू हो जाएगा जी जी काम। जी हाँ, और आपको पता ही है कि हाँ भाई नॉर्मल तरीके से काम करना अपने को पसंद नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो आज पर क्या है, मैं आपको वो भैंसे दिखाऊंगा ज्यादातर जी, जो भैंस मेरे पास ताजी आई थी, हो सकता हैवी रेट में आई हो जी, और वो 2 महीने की हो गई है, कुछ 3 महीने की हो गई है, ब्याई हुई, अच्छा, प्रेग्नेंट भी हो गई है, ठीक है, और रेट के साथ मैं ये वीडियो को कवर अच्छा करूंगा। तो पहली बार हमारे चैनल पे रेट के साथ जो वीडियो भैंसों की जो कॉस्ट है वो पता चलेगी। रणदीप सर की पहली वीडियो ऐसी होगी जिसमें रेट कंफर्म हो रहे हैं। और आज फिर 10 से 12 भैंसे दिखा रहे हैं, ये आप लंबी लाइन देख सकते हैं, बता रहे हैं वो भैंसे आई थी जो बिल्कुल ताजा ब्याई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो चुका है ब्याए हुए, और या फिर कुछ एक हैं जो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। हाँ, तो रणदीप सर शुरू करेंगे यहाँ से, क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बताएं। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर, ठीक है जी। फर्स्ट टाइमर ने 13-13.5 लीटर दूध दिया है जी जी, तो अभी इसकी डिलीवरी को 1 हफ्ता बाकी है, 1 हफ्ते का समय बाकी है। खून पी इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध हो की नहीं दे रही। ओए प्रीतल, के तरह क्यों सोम हो रही है? बाबू छो में के हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस मैस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दम है बता दो। दवाई ईब लाया ले ताऊ मेरे संगे, जो न्यूट्री डाइट खवा और फिर नए दूध ना होता मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल 1 बच्चा पाएं। बहुत अच्छी, बिल्कुल पॉली चुवाई बोलते हैं, पशुधन देखें जी, सेकंड लैक्टेशन में है, 1 हफ्ते का जो समय है वो बाकी है। ग्याबिन जो सेकंड टाइमर झोटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइमर ने 13-13.5 लीटर के करीबन जो दूध है वो दिया है।
बिल्कुल नरम चुआई का पशुधन बता रहे हैं। शांत शकल, चेहरा मोरा, हाइट लेंथ, पीठ पुट्ठा देखें, काफी बेहतरीन, काफी शानदार और काफी शांत स्वभाव की जो सेकेंड लैक्टेशन वाली झोटी है वो लेकर के आए हैं। अच्छा, पहले ब्यात में 2 किलो से ऊपर की जो अगाड़ी थी वो थी, पैरों के बीच का टाइट अडर है। ठंड पासे देखें, लेवा देखें, अभी 1 हफ्ते का जो समय है वो बाकी बचता है। तो पेल्विक बोन में जो गड्ढे हैं धीरे धीरे आप देख सकते हैं, जो स्किन है वो लूज हो रही है, साफ साफ इस बात का इशारा कर रहा है कि बच्चे देने के नज़दीक है। 1 हफ्ते में काफ़ी जो गहरा गड्ढा है, जो झील जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक और पशुधन है मलिक साहब, बताएं। ये भाई जी अभी सेकंड टाइम बच्चा देगी जी, खोल ही दिखा भाई, और इसने फर्स्ट टाइमर ने 4 दांत लिए। फर्स्ट टाइमर ने लगभग अभी वैसे तो अगर देखा जाए तो तीसरे ब्याज में बच्चा दे देती जी, लेकिन थोड़ी सी ये जो प्रेग्नेंट हुई है वो थोड़ा सा एक बार फिर गई थी जी। हम सोच रहे थे कि प्रेग्नेंट है जी, इसके बाद लेट हुई। अच्छा, इसने दूध दिया वो कम से कम 17 महीने, 17 महीने दूध, 17 महीने लगातार दूध दी है, और जब ड्राई हुई है तब भी 7-8 लीटर से, 7-8 लीटर से। और फर्स्ट टाइमर का 17 ही किलो दूध था ये आप देखिए जी। पहले ब्यात में 17 लीटर दूध और लॉन्ग लैक्टेशन मुर्रा हम इसको कह सकते हैं आराम से, लंबा दूध देने वाली जो बफलो है वो, जिसने करीब करीब 17 महीने दूध दिया है। लेवा आप देखें, थन पासे देखें, काफी शानदार, काफी बेहतरीन जी, जैसे मिट्टी से लगा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना समय बचता है अभी बच्चा देने में? ये भी 5-6 दिन लेगी भाई, 5-6 दिन लेगी। हाँ। ये आप देखें। हाँ। बहुत बढ़िया जी, अगले पशुधन पे आते हैं सर, बताएं एक बार। ये देखिए भाई जी, ये फर्स्ट टाइमर है। हाँ, ये फर्स्ट टाइमर है भाई जी, और अभी इसमें 13 लीटर दूध तैयार है जी। बच्चा मर गया, हाथ पे लगती है, ठीक है बिल्कुल, और इतनी हाइट लेंथ, ये देखिए मेरी हाइट देखो जी जी, हाइट है, कुछ शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, हाइट बहुत अच्छी है। ये आप देखें जी, फर्स्ट लैक्टेशन में 13-13.5 लीटर दूध अभी हाल फिलहाल में मुक्के पे, 2 महीने की ब्याई है जी। हाँ, यहाँ पर अपने फार्म पे थोड़ी सी केयर भी कम है। हाँ हाँ, अगर जींद वाले फार्म पे होती है, पहले थी ये, तो वहाँ पर इसमें जो दूध दिया जी वो 15-15 किलो दूध तैयार है, 15-15.5 किलो दूध फर्स्ट लैक्टेशन में। ये आप देखें जी, पशुधन देखें ली बहुत जी, जी जी लंबा लेकर के जाए जी, और अभी हमारे को बेचनी है जी, सेल करनी है जी जी, इसलिए भाई जी इसका रेट है 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपए फर्स्ट लैक्टेशन की जो झोटी है उसका रेट इन्होंने कंफर्म किया है, ये देखें। और काफी शांत स्वभाव की, बच्चा है नहीं, कितने दिन का ब्याह हो गया मलिक साहब? ये लगभग 2 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास का ब्याह हुआ पशुधन। और चेहरा मोरा देखें, सींगों की क्वालिटी देखें, रणदीप मलिक एक यूं ही नाम नहीं बिकता, क्योंकि जहां भी मुर्रा की बात आएगी जींद जिले में सबसे पहले जो नाम लिया जाएगा वो इन्हीं का है। और पशुधन आप देखें जी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार, अडर क्वालिटी देखें, थन पासे देखें, काफ़ी शानदार टिट स्पेसिंग के साथ 1,08,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है। अगले पशुधन पे आते हैं मलिक साहब, बताएं एक बार। फर्स्ट टाइमर, ठीक है जी जी, बहुत अच्छी चुआई है, काफी बहुत बढ़िया है जी, शायद 2 ही दांत हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, और मतलब अभी दूध होगा इसमें 10 किलो, 10 किलो दूध। कितने दिन का ब्याह हो गया? ये ब्याह हो गई है भाई जी, 1.5 महीने, 1.5 महीने, ठीक है। पहले ब्यात का पशुधन, नीचे एक फीमेल काफ है आप देख सकते हैं, पशुधन आप देखें 1.5 महीने का ब्याया हुआ है, और थन पासे अडर की क्वालिटी देखें, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। क्या कुछ दूध है अभी इसके नीचे? 10 लीटर दूध मौके पे, अडर क्वालिटी, टीथ स्पेसिंग देखें काफी बेहतरीन, पीठ पुट्ठा देखें काफी शानदार, काफी जबरदस्त। ले आए 1.5 महीने का ब्याया हुआ पशुधन, तो प्रेग्नेंट वगैरह अभी तो नहीं हुआ भाई? जो प्रेग्नेंट हुई है उसको बता देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी जी, ठीक है। क्या कुछ मोल भाव करेंगे इसका भाई जी? ये 90,000 रुपए। ये आप देखे जी, कम दाम का जो पशुधन है वो भी तो भाई पहली बार खरीद रखी है जी जी, ठीक है। अब वो बताएंगे तो उस उन बातों पे तो भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
और बताने में अपने को कोई परेशानी भी नहीं है। 1.5 लाख रुपए की खरीद की थी भाई, 1.5 लाख रुपए की। जी जी, ये देखो, मैं इधर से देखो, ऑर्डर देखो, थन देखो, सारी चीजें साइड से, थन पासे देखें, काफी बेहतरीन, काफी शानदार पशुधन आप देखें। फर्स्ट लैक्टेशन में शो क्वालिटी का चेहरा मोरा, 10 लीटर दूध नीचे फीमेल काफ, सिर्फ और सिर्फ आपको 90,000 रुपीज में मिल रही है। एक और पशुधन मलिक साहब, क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये भी भाई 1.5 महीने की ब्याई हो गई है। 1.5 महीने की, ठीक है जी। काफ है नहीं जी, और अभी इसमें भी ये मान के चलो ये प्रेग्नेंट हो गई है, लगभग 10 से 12 दिन की। 10 से 12 दिन की, तो ब्याह फर्स्ट लैक्टेशन। हाँ, फर्स्ट लैक्टेशन भाई, दो ही हो जी। दांतों में दो बता रहे हैं। फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो 1.5 महीने की ब्याई हुई, 14-15 दिन की प्रेग्नेंट है अभी हाल फिलहाल में। और पीठ पुट्ठा अडर की क्वालिटी थन पासे पीछे से देखें जी, काफी बेहतरीन। सभी वैसे, एक भी बैस ऐसी नहीं है जी, टिक्के पे लगती है सभी जी, जी। आपसे लगती है। तो प्रेग्नेंट कोई सीमन वगैरह रखवाया है सर, कैसे, क्या कुछ डिटेल्स? अच्छा, बुल से ही प्रेग्नेंट कराई है। देखिए, रणदीप सर के पास 2 सुपीरियर क्वालिटी के जो बुल हैं वो इनके डेयरी फार्म पे हैं। बीच में भी मैंने देखे थे, काफ़ी अच्छा जो मदर मिल्क रिकॉर्ड और सारी चीज़ें अगर उनकी देखें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो बुल्स हैं वो, तो उससे इसको गैबिन कराया है। क्या कुछ मोल भाव करेंगे मलिक साहब? 90,000 रुपये। ये फिर देखें जी, 90,000 रुपये। थन पासे देखें नीचे से, अडर की क्वालिटी देखें, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगले पशुधन पे आते हैं सर, बताएं। ये भाई जी, इसमें कोई 12 किलो दूध होगा। 12 किलो, हाँ, ब्यात लगती है, 2 दांत है जी, फर्स्ट टाइमर, ठीक है, बहुत अच्छी होती है जी। ये तो 12 किलो दूध, 2 दांत, फर्स्ट लैक्टेशन का पशुधन, कितने दिन का व्यय हो गया? ये भी हो गई होगी भाई जी, लगभग 40 दिन के आसपास। 40 दिन के आसपास। तो प्रेग्नेंट वगैरह अभी? प्रेग्नेंट नहीं हुई भाई। अच्छा, अभी नहीं हुई, जो हुई है मैं अपने जी जी। ये आप देखें, थन पासे देखें जी, काफी बेहतरीन। थोड़ा सा फर्क है मलिक साहब ऑर्डर में? नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा, ठीक है। तो दूध अभी कितना है इसमें? 12 किलो दूध है। 12 किलो दूध है। ये देखें जी पशुधन, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। बच्चा वगैरह नहीं है इसका? बच्चा नहीं है भाई जी। ठीक है, ये बहुत महंगे भाव से है जो कि खरीदी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा निकालने का विचार है, इसलिए बेच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लेबर जो है वो गांव जा रही है, तो माल कम होगी, इस चक्कर में बेची। तो पहली बार रणदीप मलिक डेयरी फार्म पे सेल लगी हुई है हम कह सकते हैं। क्या कुछ मोल भाव रखेंगे इसके? 95,000 रुपए। ये देखे जी, अगला पशुधन बताएं सर, क्या कुछ डिटेल्स हैं? फर्स्ट टाइमर है जी, 11 किलो दूध पहले ब्यात का पशुधन। टिट स्पेसिंग देखें, शायद ही किसी किसी फर्स्ट टाइमर झोटी में देखने को मिलेगी। और सिंगों की क्वालिटी देखें, थोड़ा सा खुला हुआ सींग यहाँ पे, बाकी पशुधन आप देख सकते हैं जी। नीचे अडर काफी बेहतरीन, काफी शानदार। कितने दिन का ब्याह हो गया सर? ये भी इतने दिन की ब्याह है। इतने ही दिन की, ठीक है। दूध अभी 11 लीटर दूध ये आप देख सकते हैं। पीठ पुट्ठा फर्स्ट टाइमर, जितनी भी झोटियां इन्होंने अभी तक दिखाई हैं सारी पहले ब्याह की। क्या कुछ मोल भाव रखेंगे मलिक साहब? भाई इसके 88,000 रुपए। 88,000 रुपए ये आप देखें जी। एक और कम कीमत की जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। 3 से 4 भैंसे और बचती हैं, वो भी मैं अपने पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूंगा। पहली बार इनके डेयरी फार्म पे सेल लगी है। और जितना भी पशुधन है आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइमर, सबको निकालना चाह रहे हैं। लेबर का अभाव है तो थोड़ा सा मेंटेन करने में कामकाज की थोड़ी सी समस्या है इसी वजह से। अगले पशुधन पे आते हैं रणदीप सर, क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बताएं? 10 से 11 लीटर दूध है। 10 ज्यादा अच्छी चुवाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये भी फर्स्ट टाइमर? फर्स्ट टाइमर है, ठीक है। और 4 दांत। 10 से 11 लीटर दूध, 4 दांत और काफी शांत स्वभाव का जो पशुधन है वो। अडर की क्वालिटी देखिए, ये भी भाई जी 4-5 दिन पहले प्रेग्नेंट हुई है। प्रेग्नेंट हुई है तो इसको किससे? अपने बुल से ही? हाँ, अपने बुल से, अपने बुल से ही, ठीक है। क्या कुछ मोल भाव करेंगे सर? चुवाई की बहुत बढ़िया है जी, सींग बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। इसके 85,000 रुपए। ये देखें जी, एक और 85,000 रुपए।
रेट फिक्स आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कोई वो ना करे, ये बता दे कि हाँ भाई इतने रेट वाली का क्या वो है, ये नंबर में बंधी हुई है, ठीक है, अगर कोई पूछे तो बता देंगे भाई। जी 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 बिल्कुल। तो पहली बार इनके फार्म पे सेल लगी है, जो भी इच्छुक बायर से हैं, इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही है, डायरेक्टली इनसे संपर्क। बिल्कुल बिल्कुल। अगले पशुधन पे आते हैं, रणदीप सर बताएं एक बार। 10 लीटर दूध है भाई, नीचे फीमेल काफ है, ठीक है। हाँ, जी फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर। 10 लीटर दूध की एक और फर्स्ट टाइमर भूरी, जिसको हम झोटी है वो कह सकते हैं, और नीचे फीमेल काफ बिल्कुल ब्लैक कलर की थी वहां पे। पशुधन आप देखें जी, लंबा लेकर के जाएं भाई थोड़ा सा, शो क्वालिटी का चेहरा मोरा, हाइट लेंथ देखें और अडर की क्वालिटी देखें, काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो 10 लीटर दूध अभी है, बिल्कुल पैरों के बीच का टाइट जोशीला अडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी जी, क्या कुछ रेट रखेंगे रणदीप सर? और ये बोलते ना तो घी वाली, घी वाली भैंस। अच्छा, घी लाएंगे, ठीक है। जी जी, क्या कुछ रेट है सर इसके भी भाई जी? 88,000 रुपए। ये देखें जी, तो काफी अच्छा पशुधन देखने को मिल रहा है अब की बार यहाँ से। अगले पशुधन पे आते हैं सर बताएं। काफी जायज रेट में, बिल्कुल जायज रेट में, कोई नो डाउट। पहली बार मेरी वीडियो में आपने जो रेट है वो डिस्क्लोज किया, और अगर इस तरह का रेट सुनने में अगर आया तो शायद सज्जन भाई के पास था। सेकंड टाइम पहली बार आपके यहाँ से सुनने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, शो क्वालिटी की फर्स्ट टाइमर झोटियां आपको मिल रही है। दूध निकल गया है, ठीक है। दूध इसलिए निकल गया है क्योंकि इसकी जो कटड़ी बंधी हुई थी आगे, अभी अभी बस आधे टेढ़े दो थनों का पी गई थी। जी जी, दो थनों का निकाल दी है, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑर्डर है जी, 1 महीने की लगभग की प्रेग्नेंट है। हाँ, नीचे फीमेल का, फीमेल का, ठीक है। 68,000 रुपए। एक और कम कीमत का जो पशुधन है वो निकल कर के आया। तो रणदीप सर आज क्या कर रहे हो, कुछ अलग ही मूड में हो? बस भाई जी बेच नहीं रहे, वही बात है, किसी ने बोला है जी, दूसरे के चीज का खरीदना क्या और अपनी चीजें बेचना क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, महासेल लगी है, महासेल ऑफर हम कह सकते हैं। एक और पशुधन बताएं सर। बहुत भारी भैंस है भाई। जी जी, 13 किलो दूध तैयार है जी। इसका बच्चा मर गया, ताजी वे ही है। ब्यात कौन सा है सर? तीसरे ब्यात की होगी, तीसरे ब्यात की, चौथे ब्यात की भी जी जी। थोड़ी सी बीमार हुई थी पहले, ठीक है। बहुत महंगे भाव में आई थी, दूध का रिकॉर्ड अच्छा था जी, ठीक है। तो अभी इसमें 13 लीटर तो पक्का है जी जी, अभी वो सभी हाथ से लगती है, बहुत बढ़िया चुवाई की है, ठीक है, बड़ी साइज की है, ठीक है। इसके भी भाई जी 85,000 रुपए। 85,000 रुपए। एक जो दुधारू पशुधन के जो सिम्टम्स है, बिल्कुल पतली चमड़ी का जो पशुधन है वो, और 13 लीटर दूध हाल फिलहाल में मौके पे तैयार 85,000 रुपए में आपको मिल रही है। तो 10 से 12 भैंसे मैंने आपको दिखाई। रणदीप सर और क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार इतना जायज रेट? भाई जायज की बात नहीं है जी, तो देखो अगर हमारे पास तो बहुत महंगे भाव में आई हुई है, बिल्कुल, लेकिन जब अपने को निकालनी और अपने सेल परचेज का काम है जी, तो उस हिसाब से मतलब रेट किए हैं। बिल्कुल, जब कोई चीज बेचनी होगी हाँ हाँ, तो भाई अपने को सस्ती करके बेच लो जी जी। लेकिन जो रेट बता दिया वो फिक्स है, जो दूध बता दिया 1 किलो फालतू मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ऑनलाइन मंगवाना चाहे ऑनलाइन मंगवा सकता है, वैसे मंगवाना चाहे वैसे मंगवा सकता है जी। टिस्ट स्पेसिंग दिखा दो भाई जी दोबारा से एक बार, वहां से लेके सभी पैसों की कोई टेढ़ा मेढ़ा पड़ नहीं है किसी में भी, सबका मुठिया थन है, असली चुवाई है जी जी, ठीक है। यहाँ से लग जाओ, ये तो चलो प्रेग्नेंट है, इनके भी भाव बता देता हूँ भाई जी। जी बताएं सर। इस जोटी का मैंने रेट नहीं बताया था, हाँ, पे इसके 1,28,000 रुपए। 1,28,000, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस जोटी का रेट नहीं बताया था भाई जी, इसके 1,38,000 रुपए है। ये देखें जी, जायज कीमत का जो पशुधन है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या फिर जो ताजा ब्याई हुई जो फर्स्ट टाइमर झोटियां हैं वो, और सारी जितने के जितना पशुधन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा का सारा शो क्वालिटी का, हाइट लेंथ से लेके सींगों की क्वालिटी से लेकर के चेहरे मोरे से लेकर के हर तरीके से जबरदस्त पशुधन लेकर के आए हैं रणदीप सर के खांडा खेड़ी गांव वाले नए डेयरी फार्म से। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।